फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के काट बाजार में नवजात शिशु के शव को लेकर महिला अपने परिवार के साथ बैठी धरने पर। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार अड़ा, पुलिस समझाने में जुटी। नवजात शिशु के शव को लेकर धरने पर बैठी तीन महिलाएं इंसाफ की खातिर बैठी है। इनकी मांग है आरोपियों की गिरफ्तार कर जेल भेजे है। धरने पर बैठी महिला की माने तो करीब 20 पूर्व में गर्भवती महिला समेत परिवार तीन महिलाओं को दबंगों ने लाठी डंडे से हमला कर मारपीट की थी, जिससे गर्भवती महिला चोटिल हुई, जिससे गर्भवती महिला के पेट चोट लगने के कारण शिशु की गर्भ में मौत हो गई, जिसके बाद महिला इंसाफ की खातिर नवजात शिशु के शव को रखकर काट बाजार में धरने पर बैठ गई है। पुलिस के आला अफसर पीड़ित परिवार को समझाने में जुटे। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा है पीड़ित परिवार। पीड़ित परिवार की माने जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक बैठे रहेंगे। नीलम क्या है, क्या क्यों बैठे हो आप लोग यहाँ पर? धरने बैठे हैं, कुछ तो करना चाहिए ना सरकार को, कुछ क्या, कर ही नहीं। हुआ क्या है, बात मामला बताओ। मारधाड़ हो गया है। कब हुआ था? 19 तारीख को। फिर क्या है, वो लड़के आए, उन्होंने मारा है, लड़के लकड़ी और बल्लियों से मारा है। ये पेट दंड थी 7 महीने की। अच्छा। इसके आगे पीछे डंडे पड़े हैं, फिर जब ब्लीडिंग चालू हो गई, इसको हॉस्पिटल लेके गए, लड़की खत्म हो गई। हम लोग चोटिल हैं, सारे लोग प्लास्टर वगैरह चढ़ा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं होती। उत्तरा थाने में जाते, वहाँ से वापस आते, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते यही होता है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी क्या? सारा कुछ हो गया, लेकिन वो पकड़ने में नहीं आ रहे हैं। एक भी नहीं पकड़ा गया? एक भी नहीं पकड़ा गया है। अब क्या चाह रहे हैं? अब हम यही चाह रहे हैं कि न्याय दे, उनको पकड़ के अंदर करो। हमारे वाली बच्चे परेशान है बहुत ज्यादा। तो ये बच्चे की डेड बॉडी रखी है? डेड बॉडी रखी है। इसको तो लगाते देते, लगवा तो देते आप इसको? लगवा तो जब देंगे, न्याय तो मिले। आज तो ये डेड बॉडी है, कल बाकी डेड बॉडी खड़ी मिली है। कल बड़े को उसको दिखाई दे रहे, कल डबरी में कुछ कार्रवाई अगर कर दे ना तो मार देंगे। ठीक है, ये धमकी दी जा रही है डबरी से पहले।